आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बिजली कटौती एक ऐसी समस्या जिससे उपभोक्ता सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। दिन में लंबे लंबे पावर कट झेलने वाले उपभोक्ताओं को तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे घर पर बिजली है ही नहीं। एक और समस्या है अचानक बिजली का आना और हाई वोल्टेज के चलते घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण टीवी फ्रिज का फूक जाना। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड में आप बिजली कटौती होने या हाई वोल्टेज के चलते इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फूकने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा। जी हाँ, इस बात के आदेश उत्तराखंड सरकार ने विद्युत कंपनियों को दे दिए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक 4 घंटे से अधिक बिजली गुल रहने पर ग्राहकों को मुआवजा मिलेगा। यही नहीं, हाई वोल्टेज से टीवी फ्रिज फूकने पर भी लागत से 10 गुना अधिक मुआवजा उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिजली वितरण कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग विनियमन 2022 लागू किया है। इसी के तहत जुर्माने और मुआवजे का भी प्रावधान तय किया गया है। इसके तहत विद्युत नियामक आयोग और बिजली वितरण कंपनियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। कंपनियों को 9 माह के भीतर बिजली उपभोक्ता शिकायत निस्तारण प्रक्रिया बनानी होगी। ऐसे में बिजली कटौती पर सीधे उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में मुआवजे की धनराशि आएगी। जबकि हाई वोल्टेज, आग लगने या बिजली विभाग के किसी दूसरी लापरवाही के चलते घरेलू बिजली उपकरण फूकता है तो उसके लिए उपभोक्ता दावा कर सकेगा और उसे उपकरण बनाने की लागत का 10 गुना तक मुआवजा मिल सकता है। नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में देरी पर भी उपभोक्ता को निश्चित समय सीमा पूरी होने के बाद रोजाना की दर से मुआवजा मिलेगा। पावर लाइन बदलने, बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर बदलने का भी टाइम टेबल तय कर दिया गया है। यानी अब ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर बिजली विभाग की लेट लती भी नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।